संविधान सदुपयोग का काम करेगा और पूरे लोगों के हाथ में होगी तो यही संविधान एक किताब बन के कूड़ेदान में फेंकने की चीज बन जाएगा। मित्रों, वही संविधान है जहां 70 वर्ष से देश को सुचारू रूप से चलाने का काम प्रयत्न किया जाता रहा, लेकिन आज वही संविधान है जिसकी आड़ में आज की सरकार देश में घृणा का माहौल बना रही है। मैं ये नहीं कहता क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कोई बन जाता है तो उसमें कुछ तो गुण होता है, लेकिन इस देश की बड़ी विडंबना, यहाँ झूठों का राज बड़े आराम से चलता है। सदियों से झूठों ने यहाँ पर राज किया और आज भी झूठे ही राज कर रहे हैं। आज अगर कोई तिलिस्मी झूठ इस देश के सामने रख दोगे, ये ईवीएम वगैरह कहीं नहीं रहेगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो ये जो देश है इसकी मानसिकता को समझना और ईवीएम को किस तरह से हटाया जाए, इसमें डॉक्टर राकेश भौत ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि आप स्टिकर लगाइए अपनी गाड़ियों में, अपनी जगह पर, जैसे जो भी देखेगा जिसे पसंद आएगा वो भी अपने यहाँ ट्रांसफर कर लेगा, अपनी गाड़ी पर भी लगाएगा। क्योंकि हम हर चीज को सड़क पर जाके नहीं कह सकते, लेकिन स्टिकर से दिखता। और ये आंदोलन का आज के समय में, क्योंकि आज मीडिया का युग है और इसमें प्रचार प्रसार कितना आसानी से कर सकते हो उसका उपयोग करो, क्योंकि मीडिया जो बड़ा मीडिया है वो आपके साथ नहीं है। सोशल मीडिया सबके पास के एंड्रॉयड फोन नहीं है जो पढ़ पाता है, हम भी नहीं पढ़ पाते, हजारों आ जाते हैं तो डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे में एक तो ये काम होना चाहिए, दूसरा ईवीएम को लेकर के जिस तरह का माहौल आप बनाते हैं, मैं देखो थोड़ा बड़ा गंभीरता के साथ में ये सब बात कहता हूँ, इसे दलित आंदोलन मत बताए, इसे डॉक्टर अम्बेडकर से जोड़ करके मत चले। इसे जब आप डॉक्टर अंबेडकर और दलित आंदोलन बनाते हैं तो आपको पता है जो इसका श्रवण वर्ग है उसमें सभी लोग बुरे नहीं है, थोड़ा सा मेरी बात अगर सुन ले आप, जो श्रवण वर्ग है वो सब बुरे लोग नहीं है। ठीक उसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट और अंबेडकरवादी लोग हैं वो भी कोई वफादार नहीं है, गद्दारों की संख्या अभी भी सरकार में बैठी मिल जाती है और वो चुप रहते हैं। कल तक वो आवाज बना करते थे, आज वो चुप रहते हैं। तो ऐसे में हमें अपनी भाषा, हमें अपने शब्दों का ये ध्यान रखना चाहिए। बड़े देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज देश के महान दो सपूतों का जन्मदिन है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री। उनका योगदान अपनी जगह बहुत बड़ा रहा है इस देश के लिए। हम उन्हें याद करें न करें, लेकिन विवादों में हम उन्हें न डालें न स्वयं अपने आप को विवादास्पद होने दें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कृत्य है और गांधी जी का जो कृत्य है उसकी तुलना आप करने का कोई अधिकार नहीं रखते। बस इतना सोच लीजिए कि 14 अप्रैल होता है तो भारत का जनमानस सड़क पर होता है, आज 2 अक्टूबर है, छुट्टी करके लोग अपने अपने घरों में बैठे मस्ती करते। तो ये एक नेतृत्व और उस आदर को सम्मान देने वाली बात है। तो मैं फिर आपसे एक बात ये कह रहा हूँ, अगर ईवीएम की लड़ाई लड़ना है इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाना पड़ेगा, इसे किसान से जोड़ना पड़ेगा, नौजवान से जोड़ना पड़ेगा, रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? कि अगर ईवीएम ना हो, अगर ईवीएम ना हो तो मोदी को डर रहेगा कि अगली सरकार में बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, तो रोजगार की सोचेगा नौजवान के लिए। अगर किसान के वोट का डर मोदी को ईवीएम है तो कोई डर नहीं है, उसे पता है कि मैं पुनः सत्ता में आ जाऊंगा क्योंकि बिजली का बटन मेरे हाथ में है। तो हमें किसान को जगाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि ईवीएम तुम्हारे लिए क्यों खतरनाक है। आज का जो बिजनेसमैन है त्राहि त्राहि कर रहा है, लेकिन सबके चेहरे पर एक चमक है। कुछ साथी यहां बैठे हो ऐसे अन्यथा न ले, उनके चेहरे पर यह चमक है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि यहां का दलित, यहां का मुस्लिम, यहां का पिछड़ा मजदूर और यहां का आदिवासी मुझे देख के डरा हुआ है, खौफ जदा। आज हम विरोध करने के लिए, मैं खुद अपने उससे कह रहा हूं कि जो 77 में आंदोलन सड़कों पे उतर करके लोग लाठी गोली का नाम लेकर के ये कहते थे हम लाठी गोली खाएंगे, जेल में जाएंगे और सरकार और संविधान को बचाएंगे, आज हम ये नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि आज हमें पता है कि ऐसे झूठ लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो नौजवानों के ऊपर गोली।
कोई भी चलवा सकते हैं, और कोई भी न्याय यहां की सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी। यहां सबसे ज्यादा अगर देश में पतन हुआ है तो यहां की न्याय व्यवस्था का हुआ है। यहां के न्यायाधीशों का चरित्र हनन करके, डरा करके, उन्हें धमका करके, उनके सत्ता में जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और याद रखिए, आज सशंकित मंच पर बैठे नेता हैं, आप बैठे हैं गलियों सड़कों पर, लोग बैठे हैं कि 15-20 दिन के बाद अगर राम मंदिर को लेकर के कोई जजमेंट गलत आया तो देश में खून की होली मचेगी। और ठीक उसी तरह से आज 770 के नाम पर कश्मीर को, कश्मीरियों को, मुझे कश्मीर से कोई वो नहीं, कश्मीर तो एक मिट्टी की बनी हुई जमीन है, लेकिन जो कश्मीरी, कश्मीरियत और कश्मीर के लोगों का जिस तरह से दमन चल रहा है, और आप और हम मुस्करा के ये कहते हैं कि 370 को हटा करके हमने कश्मीर को भारत में मिला लिया, इससे पहले क्या वो पाकिस्तान की सरकार थी? और फिर पाकिस्तान के साथ घृणा क्यों, मुस्लिम के साथ घृणा क्यों? आप अपनी तरफ से भाईचारा क्यों नहीं पैदा करते हो? आप जब भी मंच से भाषण देते हो कहते हो गोम और गाय का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अबे कान खड़े क्यों नहीं होंगे? तू मक्का और भूटता की बातें मंच से कर रहा है, तू कहना वहां से कि अल्लाह अकबर का नाम लेता हूं और ओम का नाम लेता हूं, किसके कान खड़े होंगे? लोगों को लगेगा कि ये भाईचारा और प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो आने वाले समय में, इस ईवीएम की लड़ाई नहीं है, कल को अगर वहां पर अमेरिका में सरकार बदल जाती है, राष्ट्रपति बदल जाता है, दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है और वो भारतीयों के साथ में कितना बड़ा दमन कर सकती है। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण मंच पर जाके कहता है 110 करोड़ रुपए भारत के खर्च करके वहां पर अपने गुलामों को बुला करके, वहां के राष्ट्रपति को बुला करके उसके सामने कहता है, अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप बदल गया तो भारतीयों के साथ में क्या होगा अमेरिका में? कौन जवाब देगा इसका? ये धूर्त लोग, ये पाखंडी और समाज और देश को बर्बाद करने वाले लोग, ये गद्दार कहे जाने वाले कौन के लोग जो जाति के नाम पर जो घृणा भारत में फैला रखती है। आज हमें जरूरत है अपने देश से प्यार करने वालों की, आज हमें जरूरत है उन लोगों की जो भारत से प्यार करते हैं। और भारत का भारत बनता है जब भारत का संविधान भारत के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में और दिमाग में रहता है, ये मेरा भारत का संविधान, मुझे भारत का नागरिक और समान अधिकार और मुझे न्याय दिलाने का वचनबद्ध, और देश में अपनी बात को कहने की आजादी रखने वाला यह संविधान, विश्व का सर्वोच्च संविधान, जब साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति यहां पर आता है और जब कोई शपथ लेकर यह कहता है कि जब भी हम अपने देश का संविधान बनाएंगे, भारत के संविधान को हम केंद्र में रख करके विचार करेंगे, और आज देख लीजिए 30 साल पहले आजाद हुआ साउथ अफ्रीका, अपने वहां पर ओलंपिक गेम करवा देता है, और हम 70 साल से आजाद हुए भारत के संविधान जिसको लेकर के हम आज तक रटंत विद्या करते हैं, वो हमें केंद्र में रख करके अपना संविधान बनाता है और विश्व की चुनिंदा शक्तियों में आकर के अपना नाम लिखा लेता है। क्या कारण है कि हम इस देश में अपने देश को वो नहीं बना पाते जिसकी हमारे कल्पना हमारा संविधान करता है? इसका सीधा एक ही कारण है, हमारे अंदर बैठा हुआ जातिवादी जहर और उसके बीच में पैदा करने वाली घृणा, और इस घृणा को जहर की तरह से उपयोग में लाने वाले वो संगठन जिनके नाम, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे घृणा फैलाने वाला किसी भी दल का आदमी हो, इन सब चीजों को हमें मिटाने के लिए एक रूप, एक मानसिकता और सभी वर्गों, कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जिनका नाम लेने पर हमें गौरव प्राप्त होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो गोखले थे उनका एक बेटा हर समय रहा जिनका नाम रामचंद्र गोखले था। पुणे में उन्होंने अपने दरवाजे पर लिख दिया था, मैं शर्मिंदा हूं इस देश में ब्राह्मण बन के पैदा हुआ। कारण वो बाबा साहब से प्रभावित थे। ऐसे लोग भी हैं, बाद में उनके साथ में क्या हुआ उसका ज्यादा मुझे वो नहीं है, लेकिन ये उदाहरण है। ठीक इसी तरह से बीपी सिंह पैदा होते हैं जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके लोग हमें आदर्श, जिनके नाम लेना चाहिए, और हमारे में से भी हैं जो गद्दार जाकर के मंच में बैठ के अपने आप को चुप पाते हैं, बिल्कुल चुप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जय भीम एक मंच पर,
जब वो नेशनल म्यूजियम का उद्घाटन करते हैं और वहीं पर हमारे मंत्री बैठे हुए तीन तीन, रामविलास पासवान, जब हिम कहने में उनकी जीप पर दही जम जाता है, और हमारा वेलफेयर मिनिस्टर, वो क्या नाम है उसका, गहलोत, उनके तो मुंह से ही नहीं निकलता जय भीम, मन में आया मैं कह दूं कि भैया इन्होंने क्या दही, ये मैम ने तो अपने कम से कम इतना तो सिखा दो कि अपने समाज में जान तब जय भीम कर लिया करें। खैर मित्रों, ये बातें साज मन लुभाने और भाषण के लिए अच्छी हो सकती है। आज सबसे बड़ा संघर्ष का दौर है और इस दौर में हमें एक ऐसा मंच और ऐसा, ये बात सही है, साथियों ने भी कहा, भक्तों ने कहा कि हमें राष्ट्रीय मंच बनाना है, जो साउथ से लेकर के जिसका रूप देखने के लिए ये हम स्टेज पर तो मिल रहा है कि आपके उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक का नेतृत्व तो आपको आपके मंच पर मिल रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं और इस आंदोलन को और ज्यादा कारगर बनाने के लिए, इसे जनमानस में पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति की आंख में चुभे इस तरह के स्टिकर, चाहे थ्री व्हीलर और ट्रक हो, और बहुत अच्छा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।